ड्रैगन की साजिश होगी ध्वस्त। मोदी के लोकल वोकल पंच से चालबाज चीन होगा पस्त। जी हां, कोरोना के संकट काल में लॉकडाउन के चलते दुनिया की अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। महामारी की मार से विकसित देशों की कमर टूट चुकी है, विकासशील देशों की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस बेहद मुश्किल घड़ी में भारत ने खुद को नए सिरे से गढ़ने और बढ़ने का जज्बा दिखाया है। लॉकडाउन के चलते डूबती अर्थव्यवस्था को संजीवनी देने के लिए पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ का सुपर बूस्टर डोज दिया है। साथ ही उन्होंने भारत को मजबूत बनाने के लिए लोकल वोकल का फॉर्मूला भी दिया है। साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। पीएम का यह संदेश चीन जैसे देशों के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है, जिनके सामान भारतीय बाजारों में भरे पड़े हैं। चीन भारत में अपना उत्पाद बेचकर मोटा पैसा कमाता है, जिसका इस्तेमाल वो अपने विकास और एशिया सहित पूरी दुनिया में वर्चस्व बनाए रखने के लिए करता है। माना जा रहा है कि चीन की कूटनीतिक चाल को मात देने और भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से उठाने और मजबूत बनाने के लिए पीएम मोदी ने लोकल वोकल का नारा दिया है। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए, वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है, लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। अब पीएम मोदी के लोकल वोकल फार्मूले का मतलब समझिए। इस फार्मूले का मतलब ये है कि अब भारत दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को पहले के मुकाबले कम करेगा। देश में अब स्थानीय स्तर पर लोगों को स्वरोजगार के लिए अवसर मुहैया कराते हुए उस क्षेत्र में निर्मित सामानों के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा, ताकि चीनी उत्पादों के दबदबे को कम किया जा सके। पीएम मोदी ने इसके लिए पीपीई किट का उदाहरण भी दिया। पीएम मोदी ने स्थानीय उत्पादों के इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि भारत दुनिया के लिए एक बाजार के साथ साथ सबसे बड़ी डिमांड का क्षेत्र भी है, इसके सही इस्तेमाल की बस जरूरत भर है। जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में बदलने की
भारत की ये दृष्टि, आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। पीएम मोदी के देश में निर्मित उत्पादों के ज्यादा इस्तेमाल पर जोर देने का प्रमुख कारण चीन के साथ भारत के कूटनीतिक रिश्ते हैं। एक ओर जहां दुनिया कोरोना से जंग लड़ते हुए अपनी अर्थव्यवस्था बचाने में जुटी है, तो वहीं चीन दूसरे देशों में भारी पैमाने पर निर्यात से कमाए पैसों से अपने सीक्रेट मिशन अंजाम देने में जुटा है। कोरोना से जंग के बीच चीनी सेना एक तरफ मिलिट्री ड्रिल कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देशों के ऊपर लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर उड़ाकर संबंधों में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है। चीन लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे एशियाई देशों में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बनी रहे। सबसे ज्यादा परेशानी भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, ताइवान, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को हो रही है। एशिया में चीन के बढ़ते दबदबे को कम करने की क्षमता सिर्फ भारत में ही है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इससे भारत को भारी नुकसान हो सकता है। पीएम मोदी के लोकल वोकल फार्मूले को चीन को पस्त करने की इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।